एक्शन। अरे भैया एक्शन, रुक जा एक मिनट, भैया आ रहे हैं। ना ना ना, हम तो यहाँ वैसे ही आए हैं घूमने। हाँ ये फौजी बन गया। हेलो फ्रेंड्स, सवार भाई साहब, आज इस वीडियो में हम एक ऐसा जुगाड़ बनाएंगे, एक ऐसा फैन बनाएंगे भाई, आप किसी भी तरह की उसमें बैटरी नहीं लगानी फिर भी चलेगा, आपको किसी भी तरह का सोलर पैनल नहीं लगाना फिर भी चलेगा, आपको बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी उसे नहीं देनी फिर भी गाइस चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा। और गाइस सेकंड मानी हम मजाक भाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, 100% सक्सेसफुल जुगाड़ है या आइडिया कह सकते हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो जब गाइस, अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, पिकनिक जाते हो, ट्रेवलिंग करने जाते हो, घूमने जाते हो, ये गाइस ऐसे की तैसे करने जाते हो भाई साहब, इतनी गर्मी पड़ रही है, फैन कूलर एसी कुछ तो चाहिए, तो गाइस आप जुगाड़ को अपने बैग में रख कर ले जा सकते हो, कहीं भी पोर्टेबल होगा, ना कोई बैटरी, ना कोई सोलर पैनल, ना कोई अलग से कोई भारत आपको बिजली देनी है। चलेगा बाहर, चलते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए समर एक्सपेरिमेंट। हेलो गाइस, हाँ तो गाइस आपका थोड़ा सा कम फोर्स लगाया मैंने। तो फ्रेंड्स, नया दिन नया टाइम और भाई नया साइंस प्रोजेक्ट, तो भैया इसके लिए मैं कुछ चाहिए, तो गाइस मैं थोड़ा सा मंत्र पढ़ूंगा। हाँ सबसे पहले गाइस ये बताइए कि पीछे कलर कैसा लग रहा है। यार मैंने मांगा कुछ और था, दुकान वाले ने दे कुछ और दिया, अभी तो मेरी क्या खता थी। तो भाई साहब मुझे कुछ इसके लिए आइटम चाहिए, तो गाइस मैं अपनी शक्तियों का यूज करूंगा, वो शक्ति मुझे एलिटर से मिलती है, तो चले गाइस मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा। अरे यार पहले रख दिया भाई साहब। तो खैर जो बात है गाइस, यहाँ पे एक कनस्तर जो है कटा हुआ है, मैंने कहा ये कि भाई मैंने से गलती से काट दिया था, ठीक है यहाँ पे ये फैन के लिए था और भाई यहाँ पे जो उसके पीछे वेंटिलेशन होता है वो मैंने कट कर दिया गलती से। तो गाइस इस प्रोजेक्ट में हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि इसे बहुत इजी मिल जाता है बच्चा और आराम से आप इसका यूज कर सकते हो, तो फटाफट गाइस पहले इसकी कटिंग करते हैं। तो लीजिए गाइस, क्या मस्त शीट बनी है भाई साहब, ये बिल्कुल फ्री की शीट है और भाई इस चक्कर में मेरा हाथ बच गया बिछने से। अब गाइस हमें इसका एक बॉक्स बनाना है जो गाइस बिल्कुल स्टील की तरह लगेगा। एक बात गाइस और बताना चाहूंगा, आप इसको एल्युमिनियम का ही बना सकते हैं, लेकिन भाई जो सुविधा कनस्तर की टिन में की शीट में है ना, वो मजा भाई किसी में भी नहीं है। वे फटाफट बनाते हैं इसका बॉक्स। तो गाइस देखिए भाई, तोड़ने वाला तो बड़ा जोड़ने वाला होता है, तो गाइस देखिए हाँ मैंने इसे पहले कट किया था और मैंने इसका बना लिया बॉक्स। वैसे गाइस आप इससे बड़ा बॉक्स ही बना सकते हो, इससे छोटा नहीं चलेगा, इससे बड़ा ही आपको बनाना पड़ेगा। और भाई मैं इसके आपको लेंथ बताता हूँ, 9 सेंटीमीटर, और भाई ऐसे देख लेते हैं 8 सेंटीमीटर, 8x9 सेंटीमीटर है और 5.5 इसकी ऊंचाई। तो गाइस अब मैं चाहिए एक हैवी चीज, वाइस के अंदर है एग्जॉस्ट फैन। वैसे गाइस ये रहा सीपीयू का फैन, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आई थिंक सीपीयू की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर का, ये भारी हीट सिंक है। एक ये रही, वाह वाह, एक ये रही गाइस, ये काफी लाइट वेट है और ये काफी भारी है, मतलब गाइस दो लेंगे, एक भारी वाली और एक हल्की वाली। अब गाइस इस बड़े वाले हीट सिंक को इसके अंदर फिट करना है भाई साहब। भाई वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये गाइस उभरा हुआ है पार्ट, ऊपर निकला हुआ है देख सकते हो, कितनी मोटी लग रही है देख सकते हो। अगर मैं ऐसा रखूं देखिए बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है, बिल्कुल पार होनी चाहिए यहाँ से निकलने के बाद। भाई ऐसे तो बताने से मजा आएगा नहीं, देखते हो गाइस क्या करते हैं हम। तो भाई ये कट चुका है, इसे लगाओ इसके अंदर, देखो भाई ये बिल्कुल फिट बैठा भाई, ये बात है बल्कि थोड़ा सा टाइट ही है, देखो यार निकला नहीं, देखो है ना। तो भैया अब यहाँ पे पहले लगाते हैं 4 स्क्रू, उसके बाद भाई साहब इसके अंदर ऐसा जुगाड़ करना जो इसके अंदर पानी ना निकले। अब भाई साहब ये अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने 4 स्क्रू यहाँ पर लगा दिए, थोड़ा सा ये गंदा हो रहा है, तो गाइस अभी साफ कर लेते हैं, बहुत इजी साफ हो जाएगा। भाई वाह क्या साफ किया है मिनटों सेकंडों में, खैर इतना बहुत है। अब गाइस एक काम और करना है भाई, अभी इसका भी काम खत्म नहीं हुआ है, कभी आपको लगे कंप्लीट हो चुका है, नहीं भाई अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे काम है। अब देखिए गाइस अभी वाली जो हमारी दूसरी आई थी सेकंड हीट सिंक, ये अभी मरी नहीं है, हम इसे अभी मारेंगे। तो गाइस इसके जो फिंस है देख सकते हो भाई, ये बहुत लंबे लंबे निकले हुए हैं, तो गाइस काफी तरीके हैं, तो गाइस हम थोड़े इन्हें छोटे कर देंगे।
गाइस अगर आप चाहो तो अभी और इसे कट कर सकते हो, लेकिन इतनी खास जरूरत है नहीं। अब भाई साहब इसे इसके ऊपर में रोकना है। रोकना कैसे है? स्क्रू से। तो गाइस स्क्रू के अंदर लगाते हैं, इसमें होल करते हैं और फटाफट क्या करते हैं देखते रहो। लीजिए भाई साहब इस पे मस्त बिल्कुल लग गए। यहाँ पे इसे लगाएंगे तो बिल्कुल मस्त लग जाएगा। अब भाई साहब इसके में दो चीजें देखनी है, एक तो इसके अंदर गाइस पानी लीकेज ना हो। ये होल मैंने आर पार नहीं किया तो इनसे पानी लीकेज नहीं होगा। ये गाइस पर यहाँ से होगा साइड में से, ठीक है। एक बात और गाइस यहाँ पे मैं चार नट लगाने हैं, सोल्डिंग करने हैं या वेल्ड करने हैं। गाइस ये रहे चार लोंडे, थोड़े गोल मटोल है, तो भैया ये चार नटों को इस तरह गाइस ये चारों यहाँ पर लग जाएंगे। तो क्या मस्त लगे हैं चारों के चारों नेट। तो भाई साहब अब इसे वाटरप्रूफ करने का टाइम आ गया है। तो भाई इसमें से पानी लीक ना हो तो गाइस उसके लिए काफी सारे जुगाड़ है। आप एमसील लगा सकते हो, लेकिन एमसील दिक्कत कर जाएगी, कभी लीक कर सकती है। तो भाई एक दो तीन, देखो भाई तीनों के तीनों का एक काम है चिपकाना। ले गाइस तीनों का फर्क है, डिफरेंट है। ये दो घंटे में सूख जाएगी, ठीक है, बोन टाइट, जल के बेकार हो जाएगी। ये एयर टाइट, ये भी गाइस जलकर बेकार हो जाएगी। और भाई ये सूखने में कम से कम 24 घंटे लेगी, ठीक है। अब गाइस ये रही स्पीड विंग, ये गाइस लोहे तक कुछ देती है, इनकी मेटल वेल्ड भी कर देती है भाई साहब। वैसे गाइस यहाँ पर आप एल्डेट भी यूज कर सकते हो, वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं 24 घंटे, पर भाई साहब अगर ये यूज करोगे ना भाई यकीन मानिए एंगल ग्राइंडर इस पर जल्दी से काम नहीं करता है। काफी मजबूत उसका जॉइंट होता है और इस पर फायर भी जल्दी से असर नहीं करती। तो भाई फटाफट ने चिपका लेते हैं। तो भाई साहब अच्छे से मैंने चिपका दिए हैं, कहीं भी मुझे लीकेज की संभावना नहीं है। मैंने मौसम विभाग से भी जानकारी ले ली है। भाई साहब अब मिलते हैं एक घंटे बाद जब ये सूख जाएगी। तो भाई ये सूख चुका है, देखिए देख सकते हो भाई साहब, देखिए भाई इस पाँच निशान भी पड़ते गए, बहुत ज्यादा हार्ड ग्लू है। चले गाइस अब फटाफट भैया आगे बढ़ते हैं। अब गाइस हमें इसका ढक्कन बनाना है, ऊपर का ढक्कन जो गाइस खुल सके लग सके उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो भाई लोगों ये हमने ढक्कन बनाया है अपनी तरह, तो भाई इसे लगा के देखते हैं। अब देखिए मैं इसमें किसी भी तरह का हिंज नहीं लगाने वाला हूँ, मतलब हिंज सिस्टम तो रहेगा लेकिन अलग से, जैसे भाई ये एक हिंज है छोटा सा कब्जा कहते हैं, ये नहीं लगाएंगे। यहाँ से मैं कुछ इसका ऐसे खुलना सिस्टम लगाऊंगा, देख सकते हो ये रहा, ऐसे का ऐसे बंद हो जाएगा। तो भाई अब इस ढक्कन के अंदर हमें कुछ कारनामे करने हैं। तो भाई साहब ये रहा BLBC मोटर, जो कि गाइस ड्रोन का मोटर भी कहते हैं, छोटे से नन्हे मुन्ना और ये काफी हाई आरपीएम यानी कि लगभग 50,000 RPM गाइस ये घूमता है रेवोल्यूशन पर मिनट। तो भाई साहब हम इसे लगाएंगे इस ढक्कन के अंदर, तो भाई फटाफट फिट कर लेते हैं। गाइस की क्या मस्त फिटिंग हुई है, मैंने आपको चला के दिखा दिया है। तो गाइस एक छोटी सी प्यारी सी डिब्बी बन चुकी है। अब भाई साहब इसके अंदर मोटर फिट करते हैं। बताया गाइस कैसा लग रहा है, मस्त बिल्कुल। और भाई आप इसे बिल्कुल बंद कर सकते हो, देखिए इसके अंदर चला गया फैन या मोटर, जहां मर्जी से आप रोक सकते हो। देखिए बहुत लाइट वेट होता है मोटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा भी लूज हो यहाँ से आप इन स्क्रू को टाइट करो, ये और टाइट हो जाएगा, वैसे इतना बहुत है। अब गाइस पावर का सिस्टम देखते हैं हम, किसी भी तरह की बैटरी नहीं लगाएंगे, सोलर पैनल भी नहीं लगाएंगे, तो भाई इसमें लगाएंगे क्या? तो गाइस हम लगाने वाले, वैसे गाइस आपको पता होगा ऐसी बात ना, समझदार तो बहुत हो। तो भाई आप इसके वायर देख सकते हो, तो भाई मैं लगाने वाला हूँ ये पेल्टियर मॉड्यूल जो की हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देगा, मस्त इस मोटर को चलाएगा। बस एक मोमबत्ती से गाइस आप इसे चला सकोगे। पहला भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा देखो गाइस 12 वोल्ट 09 एम्पियर, ठीक है, लास्ट वाला एम्पियर होता है। ये 15 एम्पियर का है, ये 9 एम्पियर का है, इसमें 6 एम्पियर का भी आता है, अलग अलग एम्पियर में आते हैं। तो गाइस आप कोई सा ले लो, 6 एम्पियर का भी काम कर जाएगा। तो भाई मैं ले रहा हूँ ये 12715, और इसके वाली जो साइड है जहाँ पर नंबर लिखे ये कूल साइड है, ये भाई आइस तक जमा सकती है पानी का, ठीक है। और भाई ये हीट होती है, ये हीट वाली सरफेस है, इसे हम हीट करेंगे। और भाई मैंने इस पर काफी पहले एक्सपेरिमेंट किया था,
दो तीन साल हो गए इस वीडियो को। तो गाइस मैं एंड स्क्रीन पर जब वीडियो खत्म होगी वाली तो उसका लिंक आपको दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। इसके बारे में गाइस मैंने सारी जानकारी दी है। फिलहाल गाइस मैं इसे फटाफट फिट करता हूं। फिट करना तो बहुत ईजी, सारे जुगाड़ गाइस मैंने कर लिए, बस अब इसे फिट करना बाकी है। अब गाइस क्योंकि मोटर ऐसा लग रहा है, इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, चौथे ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे मर्जी लगा लो। गाइस इस साइड से लगेगा, जहां पर नंबर नहीं होगा उस साइड से। और भाई ये रहा हीट सिंक कंपाउंड, तो भैया इसे थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं जिससे गाइस अच्छे से इससे कॉन्टेक्ट में आ जाए। अभी बिल्कुल फैल जाएगा इससे। लीजिए भाई मस्त, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन लगा है हीट सिंक कंपाउंड। गाइस देखिए हल्का फुल्का से बाहर निकला है नीचे से भी, तो गाइस ये बिल्कुल मिल गया है। तो पहले गाइस कनेक्शन ही कर लेते हैं, बहुत इजी कनेक्शन है, बस वायर जोड़ने को, इसमें स्विच नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। थोड़ी हीट सिंक डाल लेते हैं। लो मित्रों अच्छे से मैंने इसकी कनेक्शन कर दी है, ठीक है। वैसे गाइस इसके अंदर पानी रहेगा तो वायरिंग इसकी उठ रहेगी, जैसे गाइस आप इसे अंदर करोगे वायरिंग सारे इसके अंदर पता भी नहीं लगेगी। अब गाइस इसे भी थोड़ा सा वाटरप्रूफ करना है, तो गाइस यहाँ पे हम ये वाली ट्यूब लगा लेंगे, एयरटाइट वाली, चाइना वाली। हाँ तो गाइस कंप्लीट हो चुका है गाइस प्रोजेक्ट, काफी मेहनत लगी। लेकिन गाइस पहले आप इसका डिजाइन बताइए कैसा लग रहा है लुक, ठीक है। नन्ना मुन्ना सा एक फैन, ठीक है, जैसे गाइस आप इसे कहीं भी चला सकते हो। अब भाई साहब ये चार बोल्ट हैं 2.5 इंच के, और ये पीतल के यानी कि ब्रास के। ये रहा भैया इनका स्टैंड तैयार, देखिए हैंड टू हैंड चार लग जाएंगे ऐसे, जिससे गाइस हम इसे थोड़ा सा उठा सके, ठीक है। देखिए ये खड़ा हो गया, अगर इस तरह के देखिए बताइए गाइस कैसा लुक आ रहा है। सिंपल सा एक छोटा सा साइंस प्रोजेक्ट की तरह भी आप इसका यूज ले सकते हो, यानी गाइस अपने साइंस प्रोजेक्ट में आप इसे बना सकते हो। ना कोई इसमें सोलर पैनल, ना किसी तरह की बैटरी है, बता सकते हो फ्यूचर को। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब गाइस देखिए नीचे से उठाया है, यहाँ पर गाइस हम इसे हीट देंगे तो गाइस ये काम करेगा, हटा देंगे काम करना बंद। तो भैया ये बहुत सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है, कोई भी इसे बना सकता है, बहुत चीप पड़ जाता है। एक बात और गाइस देखिए, इसके अंदर हमें पानी भरना है, भाई पानी कहीं मिल जाएगा आराम से, बस आपको इसके अंदर पानी रखना है। और भाई छोटी छोटी कैंडल्स आप अपने बैग में रख सकते हो, जो ट्रेवल बैग में आप लेके जाते हो उसे। हाँ ये वाली टांग इसकी टेढ़ी हो नहीं रही है, हाँ सीधी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चले गाइस अब फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भाई प्लीज पहले इसके अंदर पानी डाल लें, कोई भी सिंपल सादा या कूल वाटर डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ ये तो पानी से चलना शुरू हो गया, हाँ देखो भाई बस पानी डाला चलना शुरू, बस पानी डालना है भाई चलना शुरू, तो कमाल हो गया। लेकिन गाइस दिक्कत होगी, पानी लीक हो रहा है, ओ माय गॉड पानी लीक हो रहा है यार। खैर गाइस फटाफट का भी सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोबारा से लगाया और फिर से सुखाया, एक घंटा फिर बर्बाद हुआ हमारा। भाई जो हमने स्क्रू लगाए थे ना हीट सिंक को रोकने के लिए, नीचे वाली इसमें से लीक हो रहा था पानी, तो गाइस हमने इस पर ये ग्लू नहीं लगाई थी। खैर गाइस अब देखते हैं क्या होता है। तो भाई पहले वही स्क्रू लगा लेते हैं, क्योंकि गाइस स्टैंड लगाना खैर इसका जरूरी है। और गाइस मैं आपको एक फर्क बताऊंगा, अभी देखो आपको पता लगेगा, अभी वीडियो स्किप नहीं करनी है बस। ये देखिए ये सही लग चुका है, अब मैं इसे चालू करता हूं, देखिए ऊपर उठ गया। ये रहा भाई साहब पानी, पहले गाइस ये वाला पानी मैं आपको इसमें डाल के दिखाता हूं। देखिए भाई साहब नहीं चला, थोड़ी टांगे टेढ़ी मेढ़ी होने पर सीधा कर लेते हैं, हो जाएंगी सीधी, कोई दिक्कत वाली बहुत नहीं है। हमारा फैन नहीं चला इस बार, क्योंकि इस पहले जब मैंने डाला था बिल्कुल चिल्ड फ्रिज का ठंडा पानी था, ठंडे पानी से चल जाता भाई, गर्म डालो ठंडा डालो चल जाएगा। तो गाइस हम इसे देंगे हीट। तो भाई मेरे पास है कुछ, मैं लेकर आया था। हाँ भाई साहब, तो भाई ये रही कैंडल, इतने सारे कैंडल लगाए, देखो इतनी की तो भाई जरूरत नहीं पड़ने वाली। और जड़ने का भाई आप ये वाली कैंडल लगाओगे, ये कैंडल काफी लंबा चलती है, इनका जो मोम होता है ना वो इसके अंदर ही गिरता है, तो भाई ये जल्दी खत्म नहीं होती है ना। तो गाइस हम कोई भी दो ले लेंगे या एक ले लेंगे, चलाओ दो जगह से जल्दी हीट हो जाएगा, कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा नीचे पड़ेगा तो हम इसे उठा सकते हैं, थोड़ा सा मोम को या इन बोल्टों को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो गाइस इसे थोड़ी देर के लिए हीट होने देते हैं, देखिए चल गया, देखिए गाइस आवाज भी आ रही, देखो आपको गाइस मैं इसकी हवा भी टेस्ट करा देता हूँ। देखिए गाइस ये रहा, देखिए गाइस ये तेज होता जा रहा है, जैसे गाइस ये हीट होता रहेगा तेज होता रहेगा। और गाइस ये खराब नहीं होगा, क्योंकि ऊपर इस पर पानी पड़ा है, या आप बर्फ का पानी भी डाल सकते हो अगर आपको चलाना हो बिना मोमबत्ती के, ठंडा पानी डाल सकते हो। ओ भाई कितनी तेज आवाज होगी, देखिए मैं इसे हटा लेता हूँ, जब तक गाइस हीट सिंक गर्म है ये चलता रहेगा, उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा। देखिए अभी भी चल रहा है, देखिए देखिए अभी भी चल रहा है, क्योंकि गाइस हीट सिंक हीट है। गाइस इतनी देर से मैंने कैंडल हटा रखी है, तभी भी गाइस ये काम कर रहा है, अभी भी देखो जब तक हीट सिंक गर्म रहेगी काम करता रहेगा। और पानी गाइस बिल्कुल ठंडा पड़ा है, पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए और इतनी देर गाइस चल रहा है, कोई बैटरी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। एक बार हम बस एक कैंडल को रख देते हैं, एक कैंडल का इस बहुत है, तो खाली एक कैंडल को इसके नीचे आप रख दो,
एक कैंडल इनफ है। देख अब तेज हो रहा है, इसकी स्पीड तेज होती आ रही है, देख रहे देखे हवा दे रहा है, हटाता हूँ, देख रहा। तो गाइस BLDC मोटर है और काफी तेज हवा देता है। मोमबत्ती गाइस कितना नीचे रखी, कैंडल कितने नीचे रखी है और देखिए कितना मस्त काम कर रहा है। देखिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, देखिए अगर नीचे मैं करूँगा तो गाइस पानी निकल जाएगा और ये हीट सिंक काफी अच्छे से हीट हो रही है, ठीक है। बस गाइस एक बात का ध्यान रखें, जैसे इसका पानी बॉयल हो जाए मतलब काफी भाप निकलने लगे तो प्लीज दोस्तों आप इसका पानी चेंज कर दे, खराब तो नहीं होगा लेकिन प्रॉब्लम होगी, काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। गाइस जब कभी भी आप उसको चलाना हो इसके अंदर गाइस आपको सिर्फ पानी डालना है, ये रहा गाइस के अंदर पानी। और गाइस जब आप इसका यूज कर चुके होंगे यानी कि आप चला चुके होंगे, अब आपको यूज नहीं करना भाई साहब, कोई डिब्बा लो मतलब आप पानी पौधे में डाल सकते हो, बाहर फेंक सकते हो, ये रहा भाई साहब। अब गाइस मैं स्टूडियो में तो गाइस पानी हो जाएगा, इसमें भाई डिब्बे में डालना पड़ रहा है और भाई साहब करना कुछ नहीं है, इन बोल्टों को ऐसे खोलना है, ये दो चूड़ी में नहीं खुल जाते हैं, देखिए चार बोल्ट बहुत ईजी खुल गए और भाई साहब इसके अंदर इतनी जगह है कि आप चार बोल्ट को आराम से डाल सको, देखिए अंदर डाल दिया है, देखिए बहुत जगह है और भाई यहाँ तक कि आप इसमें 2-3 कैंडल भी डाल के कहीं भी ले जा सकते हो सफर में, देखिए डाल दिया, देखिए आराम से बंद हो गया, देख सकते हो देखिए पूरा बंद हो चुका है। अभी भी गाइस एक कैंडल के अंदर और आ जाएगी, चार कैंडल के अंदर आराम से आ जाएगी, बल्कि गाइस इसके अंदर 8 कैंडल आ जाएंगे, देखिए। और भाई जब भी आपको चलाना हो ऐसे गाइस आप सारे चीज निकाल सकते हो, ये निकल के सारे इसके बोल्ट। गाइस टाइम गिनेगा, 2 मिनट भी गाइस मेरे को नहीं लगेंगे, देखिए सिर्फ 2-2 चूड़ी इसकी चढ़ानी है और गाइस ये मजबूती से लग जाएगा, देखिए ठीक है, ये रहा गाइस चालू। और भाई साहब कैंडल आपको जलानी है, कोई भी आप लेके जा सकते हो, माचिस हो गया कुछ भी, इस तरह से कैंडल आपको डालनी है और भाई साहब ये थोड़ी देर में विद इन सेकेंड चालू हो जाएगा, जैसे गाइस हीट होगा ना, देखिए गाइस अभी मैं आपको देखी, अभी जरा हमारी कैंडल लेटी हुई है बेचारी, इसे थोड़ा सा खड़ा कर देता हूँ, कोई कट नहीं कुछ नहीं, देखिए सिर्फ 2-3 देखिए ये गाइस चलने स्टार्ट हो जाएगी। अभी गाइस मैंने इसके अंदर पानी नहीं डाल रखा वैसे, ठीक है, और ये देखिए घूमने स्टार्ट हो चुकी, ठीक है चलो भाई से बंद करो। ओ भाई जब यूज में ना लेना हो 2 मिनट लगेंगे, देखिए इसके अंदर डाला बंद करा और भाई से कहीं भी रख लिया, आप उन्हें बैग में स्कूल बैग में से कहीं भी रख सकते हो, 100% सेफ है और बहुत इजी बनाना, बहुत चीप रेट में गाइस ये बन जाता है। तो हाय फ्रेंड्स ये जुगाड़ या ये प्रोजेक्ट जो कि आप साइंस प्रोजेक्ट में इसका यूज कर सकते हो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और गाइस कमेंट करें बिना मत जाएं और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, लेके जाता हूँ।